si Luke. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो लोग बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं अगली सफ़ों में आ जाएं तो बेहतर रहेगा, आगे वाली सफ़। بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين। محترم حاضرين, عزيز بچو, मेरे माओ और बहनों, आज सूरह बकरा की आयत नंबर 87 से दर्स की इब्तिदा हो रही है। यहाँ भी अल्लाह तबारक ताला ने अभी अहले किताब या इसराइलियों का तस्करा किया है, उन पर अपनी नियामतें बताई हैं और उनकी शरारतें गिनाई हैं। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, और हमने अता किया मूसा को अलकिताबा किताब, हमने मूसा को किताब दी। وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, और उनके बाद हमने रसूल भेजे, यानी तसलसल के साथ हम उनमें रसूल भेजते रहे, यहाँ तक कि उनमें आखिरी रसूल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजा। ये एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला किसी कौम में हादी भेजे, रहबर भेजे, रहनुमा भेजे, रसूल और नबी भेजे। अल्लाह तबारक ताला तसलसल के साथ इनमें रसूल और नबी भेजता रहा। तो मूसल किताब, हमने मूसा को अल किताब दी। कौन सी किताब? अल किताब से मुराद है यहाँ क्या मुराद है? मूसा को कौन सी किताब दी गई थी? जी, मूसा को अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात दी गई थी। तो यहाँ अल किताब से मुराद हमने मूसा को किताब दी, यानी तौरात हमने उन्हें अता की थी। وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, और हमने ईसा बिन मरियम को बयनात अता की, यानी वाज़ह निशानियाँ दी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने इंजील दी, आसमानी किताब उन पर उतारी, और उसके बाद और भी मौजज़ात इनके हाथों से सादिर फरमाए, ताकि इनकी कौम वाले इन पर ये एतबार करें और इन पर ईमान लाएं।
तो बहुत से मौजज़ात थे जो उनके हाथों से सादिर हुए, जैसे बर्स की बीमारी होती थी, हाथ फेरते थे और वो दूर हो जाती थी, और भी बहुत सारी बीमारियां। इसी तरीके से जो है ये अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करते थे। तो मौजज़ात अल्लाह तबारक ताला ने दिखाए, ये ऐसी चीज़ें थीं कि जो वाज़ह निशानियां थीं उनकी सदाकत की, उनकी सच्चाई की, उनकी रिसालत की, लेकिन फिर भी कौम ने इनकार किया और वो ईमान नहीं लाई। वअय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदस, और हमने उनकी ताईद की रूहुल क़ुदस के ज़रिए से। रूहुल क़ुदस से मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं इसमें कि मुराद क्या है, लेकिन सही और राजह बात यह है कि रूहुल क़ुदस से मुराद जिब्रील अमीन हैं। अल्लाह तबारक ताला ने रूह अल क़ुदस अल्लाह तबारक ताला की ज़ात, तो ये इनकी निस्बत अल्लाह तबारक ताला की ज़ात की तरफ की है। इनकी इज़्ज़त अफजाई और इनके एजाज़ और तशरीफ़ के लिए, जैसे हम काबतुल्लाह कहते हैं, जब किसी चीज़ की निस्बत अल्लाह तबारक ताला की तरफ हो जाती है तो वो मुहतरम हो जाती है, वो काबिले एहतराम और काबिले इज़्ज़त हो जाती है। तो अल्लाह तबारक ताला के घर मसाजिदुल्लाह हैं, अल्लाह तबारक ताला की मसाजिद या बुयूतुल्लाह या नाक़तुल्लाह। तो जब अल्लाह तबारक ताला के पाक ज़ात की तरफ किसी चीज़ की निस्बत हो, किसी मखलूक की निस्बत हो, तो उसका रुतबा बुलंद हो जाता है। इनका रुतबा बुलंद करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अपनी जानिब इन्हें मंसूब किया, और हमने उनकी ताईद की रूहुल क़ुदस के ज़रिए से। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अन्फुसुकुम मुस्तकबरतुम, जब जब तुम्हारे पास कोई रसूल आए, ऐसी चीज़ लेकर आए जो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं थी, ला तहवा अन्फुसुकुम, जिसको तुम्हारी नफ्स या तुम्हारी रूह या तुम्हारी ख्वाहिश या तुम्हारी नफ्स चाहती नहीं थी, इस्तकबरतुम, तो तुमने तकब्बुर किया, तुमने घमंड दिखाया। फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम, एक जमात को तूने झुठला दिया। व फ़रीक़न तक़्तुलून, और दूसरे गिरोह को तुमने कत्ल कर दिया। बहुत से अंबिया को बनू इसराइल ने झुठलाया और बहुत से अंबिया को कत्ल कर दिया, उनके साथ ज़्यादतियाँ की, उनके साथ गुस्ताखियाँ की। ज़करिया अलैहिस्सलाम को, यहया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल कर दिया। तो ये बहुत संगीन जुर्म, अल्लाह तबारक ताला के बरगुजीदा बंदों पर ईमान ना लाना ये एक जुर्म तो है ही, उनके साथ गुस्ताखी करना दूसरा जुर्म है, और उन्हें कत्ल कर देना नौज़ बिल्ला, ये इंतहाई संगीन जुर्म है जिसका इर्तिकाब बनू इसराइल ने किया। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, और उन्होंने कहा कि हमारे दिल पर्दे में हैं, यानी हमारे दिल पे तुम्हारी बात असर नहीं करेगी, तुम्हारी नसीहत असर नहीं करेगी, तुम्हारा वाज़ असर नहीं करेगा, हमारे दिल का दरवाज़ा बंद हो चुका है। कितना भी समझाते रहो, कितनी भी दलीलें देते रहो, कितना भी हमें कायल करते रहो, हमारे दिल पे असर असर होने वाला नहीं है। गुल्फ़ कहते हैं गिलाफ को, जो पर्दे में हो, गिलाफ हो, अब उस पर कोई चीज़ असर ना करे। तो उन्होंने कहा हमारे दिल तो पर्दे में हैं, हमारे दिलों पर पर्दा लगा हुआ है। बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने उन पर लानत की है उनके कुफ्र की वजह से, और बहुत कम ही ईमान लाने वाले हैं। तो चूँकि लानत अल्लाह तबारक ताला ने की, इसलिए कि फितरी तौर पर दिल बंद नहीं होते हैं, दिल के दरवाज़े खुले रहते हैं, उन दिलों पर नसीहत असर करती है, अल्लाह तबारक ताला का कलाम असर करता है, अंबिया और रसूल के फरामीन असर करते हैं दिलों पर। लेकिन कोई कहे हमारा दिल बंद है,
हमारे दिल का दरवाज़ा खुलेगा नहीं, तो ये फितरत के खिलाफ बात कर रहा है। ऐसे वो लोग कहते थे, नंबिया की बातें नहीं सुनते थे, रसूलों की बातें नहीं सुनते थे, कहते थे हमारे दिल का दरवाज़ा बंद है। अल्लाह ने कहा लानत हो तुम लोगों पर तुम्हारे कुफ्र की वजह से, यानी लानत की इल्लत भी अल्लाह तबारक ताला ने बता दी। किसी पर लान तान करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। हम किसी शख्स मुअय्यन पर लानत नहीं कर भेज सकते हैं, किसी पर लानत भेजने से ममानियत है। अलबत्ता अगर कोई जुर्म किसी तबके में, किसी जो है ग्रोह में आम हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि लानतुल्लाहि अलल फासिकीन, फासिक लोगों पर अल्लाह तबारक ताला की लानत हो। लानतुल्लाहि अलल मुनाफिकीन, मुनाफिक लोगों पर अल्लाह तबारक ताला की लानत हो। या लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह का इनकार करने वालों पर लानत हो। लेकिन किसी शख्स मुअय्यन पर हम कहें कि इसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, इस तुम्हारे ऊपर अल्लाह का गज़ब हो, इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा इन पर लानत हो इनके कुफ्र की वजह से, और ये बहुत कम ईमान लाते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, और जब उनके पास किताब आई अल्लाह के पास से जो तस्दीक करती थी उस चीज़ की जो उनके पास पहले से थी। तो यहाँ किताबुम मिन इंदिल्लाह से मुराद कलामे पाक है, अल्लाह तबारक ताला का क़ुरान है। जब ये क़ुरान उनके पास आया, क़ुरान की खासियत क्या है? क़ुरान पहली किताबों का इनकार नहीं करता है। क़ुरान पहले अहकाम अल्लाह तबारक ताला के आसमानी अहकाम और उन अदियान के जो उसूल और ज़ाबते हैं, जो बुनियाद हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसका इनकार क़ुरान नहीं करता है, बल्कि उसकी तायीद करता है। क़ुरान अल्लाह पर ईमान लाने की बात करता है, क़ुरान अंबिया पर यकीन रखने की बात करता है, क़ुरान कुफ्र और शिर्क और निफाक और तमाम तरह के गुनाहों को हराम करार देता है। क़ुरान हर खैर की तरफ बुलाता है, हर नेकी की तरफ बुलाता है। क़ुरान ज़ुल्म व ज़्यादती से मना करता है और एहसान और रवादारी की तालीम देता है। तो क़ुरान पाक ये अल्लाह तबारक ताला के पहले अहकाम के मुनाफी नहीं है, बल्कि उनकी तायीद करता है, उनकी तस्दीक करता है। ये क़ुरान तौरात की तायीद करता है, ये क़ुरान इंजील की तायीद करता है, जो गैर मुहर्रफ अहकाम हैं उनकी तस्दीक करता है। इसलिए इस क़ुरान की एक सिफत यह है, मुसद्दिक, ये तायीद करता है, तस्दीक करता है। तो जब किताब अल्लाह के पास से आई तो मालूम यह हुआ कि किताबुम मिन इंदिल्लाह से मुराद क़ुरान पाक है। मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, जो उनके पास थी उसकी तस्दीक करने वाला। वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल लदीन कफरू, और इनका हाल ये था कि ये लोग काफिरों पर फतह तलब किया करते थे। मिन क़ब्लु, इससे पहले, यानी अम नबी के ज़रिए, जो नबी मौऊद, जो एक आखिरी रसूल आने वाले थे, जिसकी बशारत उनकी किताबों में मौजूद थी, जिनकी सिफात उनकी अपनी आसमानी किताबों में मौजूद थी, जिसे उनके उलमा पढ़ते थे, बताते थे, और दीनदार लोग जानते और समझते थे, यहाँ तक कि उनकी सिफात भी, इससे भी ये लोग वाकिफ और आगाह थे। तो ये जब मुशरिकीन से लड़ाई होती थी इस्लाम से पहले, तब ये धमकियाँ भी देते थे कि एक आखिरी रसूल आने वाला है, हम उसकी तायीद करेंगे, हम उसका ताउन करेंगे, और उसके ज़रिए से तुम्हें हम पस्त करेंगे, तुम्हें जलील और रुस्वा करेंगे, ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक ताला ने आखिरी पैगंबर मबऊस फरमाया तो उन्होंने इनाद और तासुब में इनकार कर दिया और कहा कि जो है ये रसूल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ इनादन, हालांकि पहचानते थे, उनके दिल को यकीन था, वो मानते थे, वो अपनी सिफात जो पढ़ी हुई अपनी किताबों में पढ़े थे वही सिफात देखते भी थे, लेकिन फिर भी इनाद और सरकशी और तासुब में इनकार किया करते थे। तो फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिह,
तो जब उनके पास वो चीज आ गई जिसे वो पहले से पहचान चुके थे, कफरू भी, तो उसका उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह की लानत हो ऐसे काफिरों पर। भी समझतरो भी अनफुसहुम अन यकफुरु बिमा अनज़लल्लाहु बगयन अन युनज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशा। भी समझतरो भी, इंतहाई बुरी चीज है। बिसा ये नेमा का जिद है। नेमा ये अरबी में तारीफ के लिए आता है और बिसा ये किसी की मजम्मत करने के लिए, बुराई बयान करने के लिए आता है। जैसे हदीस में है, बिसा अखुल आशीरा, एक शख्स आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसके चला गया तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंतहाई बुरा आदमी है ये। तो अगर किसी की बुराई करनी होती है तो बिसा के जरिए, बिसा, इसीलिए इसको कहते हैं, ये अल्फाज जम है मजम्मत बयान करने के लिए। इंतहाई बुरी चीज़ है जिसे इन्होंने ख़रीदा है, जिसे जिसके ज़रिए से इन्होंने बेचा है। इश्तरा, ये बेचना और ख़रीदना दोनों इसका माना है, लेकिन यहाँ बेचने के माने में भी समझतरो भी अनफुसहुम, इंतहाई बुरी चीज़ है जिसके ज़रिए से उन्होंने अपने आप को फरोख्त कर दिया है, अपनी ज़ात को बेच दिया है, अपने नफ्स को बेच दिया है। अन यकफुरू बिमा अन्ज़लल्लाह, वो ये कि इन्होंने इनकार कर दिया है उस चीज़ का जो अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया है, बगयन, बगावत करते हुए, सरकशी करते हुए, इनाद करते हुए। अन युनज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादी, ये कि अल्लाह तबारक तआला अपना फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है। ये अल्लाह तबारक तआला अपने एतबार से, अपनी मसलहत के एतबार से जिस कबीले में चाहता है रसूल भेजता है, और जिस शख्स को चाहता है अल्लाह चुन लेता है, जिसको चाहता है नबूवत से सरफराज फरमा देता है। ये अल्लाह तबारक ताला की मशीयत है, उसमें कोई बंदा दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। कोई ये ना कहे कि फलां कबीले से नबी है इसलिए हम नहीं मानेंगे, हमारे कबीले से अल्लाह ने रसूल क्यों नहीं मुंतखब फरमाया। ये इनाद है, तासुब है, जो रिसालत के बाब में नाकाबिले कबूल है। फबाउ बिगज़बिन अला गज़ब, तो ये लोग लौटे एक गज़ब पर, गज़ब पर गज़ब लेकर, गज़ब पर गज़ब यानी अल्लाह की नाराज़गी पर नाराज़गी लेकर ये लोग लौटे। और जाहिर है जब कोई ज़ात या अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो जाती है किसी बंदे से तो उसे धुतकार देता है अल्लाह पाक। अल्लाह तबारक ताला ऐसे शख्स पर अपनी रहमत नहीं फरमाता है, ऐसे को दूर कर देता है और ऐसे शख्स को बेयारो मददगार छोड़ देता है। जैसे हम जब किसी से खफा होते हैं, नाराज़ होते हैं, उसे करीब नहीं करते हैं, उसकी मजलिसों में बैठते नहीं, उसे बुलाते नहीं हैं, और न जाने गुस्से का कौन कौन सा तरीक़ा हम जाहिर करते हैं। अल्लाह तबारक ताला का गज़ब ये लोग लेकर लौटे, यानी अल्लाह तबारक ताला की लानत इन पर हुई। अल्लाह तबारक ताला ने अपनी रहमत से इन्हें महरूम कर दिया, अल्लाह तबारक ताला ने अपने तकर्रुब और क़ुर्ब से इन्हें दूर कर दिया। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अन्ज़लल्लाह, जब इनसे ये कहा गया कि ईमान ले आओ उस चीज़ पर जो अल्लाह पाक ने उतारा है, क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना, तब ये कहते थे कि हम ईमान ला चुके हैं, जो हमारे ऊपर उतरी है उसको मान लिया है, जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह उतारेगा हम नहीं मानेंगे। तो ये है, तो ये गलत बात है, ये कुफ्र की बात है, ये इनकियाद नहीं है, ये तस्लीम नहीं है, ये मुसलमानियत नहीं है, ये अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं है। अल्लाह का कलाम कहीं भी उतरे, अल्लाह तबारक ताला का कलाम किसी भी बाब में उतरे, किसी भी ताल्लुक या किसी भी शख्स पर उतरे, हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के कलाम का एहतराम करें, अल्लाह तबारक ताला के कलाम के आगे सर झुका दें, और इधर उधर के हीले बहाने ना लाएं। ये ना कहें कि अल्लाह का फलां कौल हम कबूल करेंगे और अल्लाह की फलां बात हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा, जब उनसे कहा गया जो अल्लाह ने उतारा है उसको मान लो, तब कहते थे हम ईमान ला चुके हैं उस चीज़ पर जो हमारे ऊपर उतारी गई है,
ويكفرون بما وراءه اور اس کے علاوہ ساری چیزوں کا وہ انکار کرتے تھے تورات کے علاوہ بما وراءه یعنی بما سوا جو تورات کے علاوہ تھیں سب کا انکار کرتے تھے کہتے تھے بس ہم اللہ کا اتنا کلام مانیں گے باقی کلام ہمیں تسلیم نہیں ہے ہمیں منظور نہیں ہے وہو الحق حالانکہ یہ تو حق بات تھی اللہ کا کلام قرآن کی شکل میں جو اترا تھا یہ ہر ہر حرف اس کا سچ ہے اور ہر حکم اس کا تصدیق کرنے والا ہے پہلی شریعتوں کا تو وہو الحق حالانکہ یہ حق ہے مصدقا لما معهم اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس موجود ہے قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین یہاں اللہ تبارک تعالی نے ان کی حجت اور ان کے دعوے کو غلط ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں تورات میں اللہ کے احکام کے آگے سر جھکاتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے جرائم تم کیوں کرتے ہو فلیما تقتلون انبیاء اللہ من قبل کیوں تم نے اللہ کے نبیوں کا قتل کیا تھا اس سے پہلے وہ حکم کہاں سے لائے تھے اگر تم اللہ کا حکم مانتے ہو اللہ کا کلام مانتے ہو اللہ کی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو انبیاء کے قتل کا جواز کہاں ہے کہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کے قتل یا معصوم جانوں کے قتل کی اجازت دی ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور اللہ تعالیٰ اور وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى اور موسیٰ تمہارے پاس آئے بالبینات موسیٰ ابن عمران اور عیسیٰ ابن مریم تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ابن عمران یہ تمہارے پاس آئے بالبینات نشانیاں لے کر اللہ پاک جب کوئی رسول بھیجتا کوئی نبی بھیجتا تھا تو ان کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر فرماتا تھا اور ان کے ذریعے سے معجزے صادر ہوتے تھے اللہ کی اجازت سے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ کو بھی مبعوث کیا رسول بنا کر بھیجا اور انہیں بھی معجزات عطا کیے انہیں بھی بینات عطا کیے ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون پھر تمہارا جرم کیا تھا اسرائیلیوں کی خطا کیا تھی کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ کا کلام لینے گئے اللہ کے احکام حاصل کرنے گئے اور کچھ دن کے لیے قوم سے غائب ہوئے تو ان کی شرارت کیا ہوئی کہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود تسلیم کر لیا اور بت پرستی انہوں نے شروع کر دی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی جرم کی طرف اشارہ کیا اور کہا موسیٰ دلیلیں لے کر آئے تھے معجزات لے کر آئے تھے بینات کے ساتھ آئے تھے پھر تم نے بچھڑے کو ان کے بعد اپنا معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ حقیقت میں تم ظالم ہو تم لوگ ظالم ہی ہو تم ظلم کرنے والے ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا میثاق میں نے جیسا کہ بتایا تھا یہ پختہ عہد کو میثاق کہتے ہیں یعنی جو قسم کے ساتھ جس کی تاکید کی گئی ہو وہ میثاق ہے ہم نے تم سے میثاق لیا تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور کو اٹھا رکھا تھا اور کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ اسے تسلیم کر لو اسے مضبوطی سے تھام لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں وَاسْمَعُوا اور بغور سنو اللہ کے کلام کو قَالُوا سَمِعْنَا تب انہوں نے کہا تھا سنا تو ہم نے وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی ہم ماننے کے لیے نہیں سنتے ہیں ہم نے نبی کی بات سنی ہے ہم نے موسیٰ کی بات سنی لیکن وَعَصَيْنَا اور ہم نافرمانی کر رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے مومنوں کا شیوہ کیا ہے